एक बार की बात है, एक बार एक भेड़िया जंगल से निकलकर गांव में आ गया था और वह दिन में लोगों के साथ इंसान के रूप में रहता था और पूरे गांव में चारों तरफ घूमता रहता था और गांव के हर रास्ते को देख लेता था। जैसे ही रात हो जाती थी, वह अपने असली बहुत ही विशाल खूंखार भेड़िया के रूप में आ जाता था और गांव में चारों तरफ घूमने लगता था। जैसे ही कोई इंसान उसको मिलता, तुरंत उसको पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता था, फिर उसको मारकर दिन में गांव में आकर बेचने लगता था। मटन ले लो मटन, ताजा ताजा मटन, अच्छा और सस्ता मटन जो खाए, वो बार बार आए मटन ले लो मटन। फिर एक घर से एक आदमी निकला और बोला, ओ मटन वाले भैया, मटन कितने का दिए? फिर वो बोला, अरे भाई साहब, वैसे तो बाजार में मटन के रेट 300 रुपए हैं, लेकिन मैं 100 रुपए में दे रहा हूँ। लो देख लो, एकदम ताजा ताजा मटन है, एक बार खाओगे और फिर बार बार मेरे ही पास आओगे मटन लेने। ऐसे ही वो रोज डेली करता था, दिन चारों तरफ घूमकर देख लेता और जैसे ही रात हो जाती थी, फिर भेड़िया के रूप में शिकार करने निकल पड़ता था और सारे गांव में घूमकर बेचता था, जिसके वजह से लोग बाजार से मटन लाना बंद कर दिए थे। बाजार वालों का कोई भी कमाई नहीं होती थी। फिर एक दुकानदार यह सब पता लगाने के लिए एक दिन एक गांव के आदमी से पूछा, बोला, अरे रामू भाई, आजकल मटन नहीं खा रहे हो क्या? पहले तो हमेशा आते थे और अब देख रहा हूँ कई हफ्तों से आते ही नहीं हो। फिर रामू बोला, अरे क्या आऊं भाई, मुझे तो सुबह सुबह ही सस्ता और ताज़ा मटन मिल जाता है, 100 रुपए में मैं ही क्या, सारे गांव वाले भी खाते हैं। फिर रामू की बात सुनाकर दुकान वाला यह सोचने लगा कि इतना सस्ता मटन कहाँ मिलता है, और उसके मन में यह बात चलने लगी और वह इसका पता लगाने के लिए गांव में रात में निकल पड़ा। कुछ देर इधर उधर घूम रहा था और थोड़ी ही देर बाद देखा कि वह जो 100 रुपए में मटन बेचता है, अपने घर से निकला और एक विशालकाय खूंखार भेड़िया के रूप में आ गया और गांव में घूमने लगा, और उसको एक औरत दिखाई दी। फिर तुरंत उसको पकड़ा और जंगल में लेकर चला गया और उसको मार दिया। यह सब रामू एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था और वह बहुत डर गया। फिर भेड़िया रामू को देख लिया और उसको जैसे ही मारने चला, तुरंत ही एक तांत्रिक आ गया और भेड़िया को अपनी शक्ति से जला दिया।